सेंट्रल रीजन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फेसबुक पे प्रमोशन कैसे की जाती है या क्या प्रोसीजर होंगे कि आप अपने ब्रांड को, अपनी आइडेंटिटी को ऑनलाइन जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने जो प्रोसीजर फॉलो करने हैं वो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस टुडे। और इसमें बहुत सी चीज़ें आप लोगों के लिए नई भी होंगी, कुछ आप पहले करते भी होंगे, लेकिन उसको रिफाइन करने की या बेहतर करने की जरूरत होगी। सो स्टार्ट करते हैं जी फेसबुक प्रमोशन। कुछ गुजारिशात उससे पहले वो ये कि मैंने आप लोगों को म्यूट और मैसेजेस जो है डिसेबल कर दिए हैं फॉर द टाइम बीइंग, फॉर इसलिए कि आप जब मैसेज सेंड करते हैं तो हम सब लोग चूंकि मोबाइल से मोस्टली कनेक्ट करते हैं, मोबाइल से कनेक्ट होने की वजह से होता ये है कि आप मैसेज सेंड करते हैं स्क्रीन पे पॉपअप हो जाता है और पॉपअप होने की वजह से डाइवर्जन और डिस्ट्रैक्शन जो है वो क्रिएट हो जाती है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज जो मैसेजेस हैं उसको डिसेबल कर दिया गया। सो फेसबुक पेज बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फेसबुक पेज बनाने के लिए तीन से चार चीज़ें जो है बेसिकली वो इंपॉर्टेंट होती हैं फेसबुक बनाने के लिए, पेज बनाने के लिए। फेसबुक पेज बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको आपका बिजनेस गोल पता होना चाहिए, एक बिजनेस गोल है क्या। फॉर इंस्टेंस आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे हैं इन प्रोडक्ट नॉलेज, आप प्रोडक्ट एक्सपर्ट हैं, तो आपके पेज का नाम या आपका जो गोल है वो प्रोडक्ट के इर्द गिर्द या प्रोडक्ट से होना चाहिए। फिर दूसरी चीज इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि पेज तो बना लिया, पेज के अंदर हमने अपनी डिटेल्स भी मेंशन कर दी, अब हमने इसमें अपलोड क्या करना है, पोस्ट क्या करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कॉन्टेंट मिक्स के नाम से बेसिकली हम क्रिएट करते हैं, कॉन्टेंट मिक्स से आप अपने फेसबुक पेज पे अपना कंटेंट या पोस्ट लगाते हैं, उसको प्लान करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि इससे आपकी रीच बढ़ेगी, आपको पता चले, आपके जानने वालों को पता चलेगा कि आप बिजनेस क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। सो फेसबुक पेज बनाने का बेसिक पर्पज आपके बिजनेस गोल, फिर उसके बाद कॉन्टेंट मिक्स, फिर उसके बाद आपकी लीड जनरेशन, और फिर आपकी इंगेजमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप लोगों तक पहुंचते हैं तो लोग किस तरह से, किस हिसाब से आपसे इंगेज करेंगे और उसमें आपको ज्वाइन करेंगे, आपसे ऑर्डर्स प्लेस कराएंगे। सो ये दीज फोर स्टेप्स आर द बेसिक थिंग्स जो कि आपने फेसबुक पेज बनाने से पहले सोचने, समझने और उस पर ब्रेनस्टॉर्म करना है, क्योंकि पेज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। टू बी वेरी ऑन इट्स लाइक 3 मिनट्स वर्क, आप 3 मिनट में अपना पेज बना लेते हैं, लेकिन पेज पे करेंगे क्या, वो कंटेंट मिक्स के जरिए होता है, और कंटेंट मिक्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कंटेंट मिक्स भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि किस तरह से आपने बनाना और कितने परसेंट। फिर रीच बनाने के लिए आप अपनी जो पोस्ट है या जो अपना पेज है वो बूस्ट कराते हैं, फिर उस बूस्टिंग से आपकी पेज पे इंगेजमेंट बढ़ती है, और इंगेजमेंट बढ़ने से आप लीड को जनरेट करते हैं कि किस तरह के लोग आपके पेज पे क्या काम करने आएंगे, क्या बेसिक पर्पस होगा उन लोगों का आपके पेज पे आने का। सो दीज आर द फोर बेसिक स्टेप्स जो कि आपको याद होने चाहिए पेज बनाते वक्त, पेज बनाने से पहले, क्योंकि तो यही चार चीजें आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए आपके पेज के लिए। सो कॉन्टेंट मिक्स को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 20% प्रोडक्ट के बारे में मेंशन करना होता है, बाकी 80% जितना भी आपका कंटेंट है वो आपकी वैल्यूज, आपकी लाइफस्टाइल, आपका बिजनेस, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी हॉबीज, आपकी पर्सनल लाइफ इन अ सेंस कि आप क्या काम करते हैं, किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मैं आज भी अच्छी तरह मुझे याद है, मुझे एक लीडर, उनके बारे में मुझे याद है कि शी वॉज एक्सपेक्टिंग, बेसिकली लीडर हैं, टॉप लीडर थी, पाकिस्तान से नहीं बाय द वे। तो उन्होंने घर बैठ के अपने बेटे के साथ, जो कि ऑलरेडी उनका 3 से 4 साल का बेटा था, उसके साथ बैठ के लैपटॉप पे अपना काम कर रही थी, और वो पिक्चर पोस्ट की, और उन्होंने लिखा कि दिस अपॉर्चुनिटी इज वाइल डूइंग माई बिजनेस एंड हैंडलिंग माई फैमिली। सो दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज या दिस काइंड ऑफ लाइफ बेसिकली आपने उन लोगों तक पहुंचानी होती है कि किस तरह से वो इसको बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बेहतर तौर पे इसको जान सकते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनवाइट करने के लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल के बारे में लोगों तक पहुंचाना होता है। इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, ब्लॉगर्स क्या करते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं, ये सारे के सारे लोग आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि आपने इन चीजों के ऊपर फोकस करना है।
जैसे कि प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में, एक्सपर्ट होने के बारे में, चीजें जानने और उसको अंडरस्टैंड करने के बारे में, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली आपको आपके बारे में बताने के लिए होती है कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको इन चीजों पे फोकस करने की बहुत जरूरत होती है, राइट right? और इसी को हम 20-80-20 रूल भी कहते हैं। 80% रूल, 80% जो पोस्ट है कि वो लोगों को एजुकेट करने, एंटरटेन करने और इन्फॉर्म करने के बारे में होनी चाहिए, आपकी अपनी लाइफस्टाइल, अपने बिजनेस और अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में। और 20% सिर्फ ब्रांड की प्रमोशन के लिए होता है कि आप विच ब्रांड यू आर यूजिंग। मिसाल के तौर पे आपने जैसे विंटर है, विंटर में आप किस तरह का मेकअप करेंगे, वार्म मेकअप करने के लिए आप कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, या यू फील कंफर्टेबल व्हाइल यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स, जिसका आपको कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है, इसका साइंटिफिकली प्रूवन रिजल्ट्स के साथ मार्केट में आती है। तो ये वाली चीजें आप जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे वो 20% होगा। बाकी आपने जो प्रमोट करना है वो आपने लोगों को एजुकेट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए और एंटरटेन करने के लिए करना है। सो इस रूल को आपने अपने जहन में रखना है और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप 80-20 रूल को इम्प्लीमेंट करें, राइट। सो जो आपको चीजें अवॉइड करनी है ऑन फेसबुक पेज, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी अंडरस्टैंड करना है। फेसबुक पेज बेसिकली आपकी प्रोफाइल नहीं है, बट आपकी प्रोफाइल का बहुत बड़ा दारोमदार है आपके पेज को लोगों तक पहुंचाने में। उसकी वजह यह है कि जब तक आप वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कि एक इंसान पे ट्रस्ट करने के लिए उसकी मेंशन होनी चाहिए, वो जब तक आप नहीं लिखेंगे उस वक्त तक पेज के ऊपर कोई भी की गई पोस्ट उस तरह से काम नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आपकी फेसबुक पेज पे बहुत से लोगों ने बहुत से अजीबोगरीब से नाम अपने पेज के या अपनी प्रोफाइल के रखे। मिसाल के तौर पे बाबा की गुड़िया, शरारती मुंडा, यू नो। अब कंसीडर दिस कि आपने फेसबुक पेज बनाया अपने अपने बिजनेस के लिए और उस बिजनेस पेज के ऊपर आपने लिंक अपनी प्रोफाइल का दिया, क्योंकि जब भी कोई पेज बनाता है तो आपके 90% लोग सबसे पहले जाके क्या करते हैं, उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि वो कौन है, कहाँ से है, क्या करता है, किस तरह से काम करता है। ये 90% लोग करते हैं, मैं तो करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुझे पेज या कोई चीज अच्छी मिलती है तो मैं ये देखता हूँ कि ये वाली चीज इस बंदे ने इस पेज पे लगाई है या इस पोस्ट को उसने अपलोड किया है, तो ये किस इंसान ने किया, ये वाली चीज मैं जरूर देखता हूँ और देखने के बाद उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए। मैं उस पर कॉन्फिडेंट होऊंगा तो ही मैं उसकी उस बात पे ट्रस्ट करते हुए उस पर अमल दरामद करूंगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आपने वो प्रोफेशनल अप्रोच नहीं रखी होती जो कि होनी चाहिए। वो प्रोफेशनल अप्रोच स्टार्ट होती है फ्रॉम योर नेम। बहुत से लोगों को चैलेंज आता होगा कि दे आर नॉट अलाउड टू पुट देयर पिक्चर्स। इट्स फाइन, आप अपनी पिक्चर ना लगाएं, लेकिन आप अपनी पिक्चर अपनी फैमिली के साथ तो लगा सकते हैं। आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बिजनेस से रिलेटेड चीजें तो लगा सकते हैं, लेकिन वो वाली चीजें जो कि आपकी अपनी हो, गूगल से डाउनलोड की हुई चीजें ना हो, राइट। सो यही चीज वो आपको बता रहा है कि प्रोफाइल को होना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ऑप्टिमाइज हो, उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको कोई चीज पसंद आती है इंटरनेट पे, मिसाल के तौर पे मुझे अगर मैं बात करूं तो आई एम अ बिग फूडी बाय द वे, लेकिन मैं देसी ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे किसी ने बताया कि ये खाना बहुत जबरदस्त है, देसी फूड में ये खाना बड़ा जबरदस्त है, तो मैं उसको अगर शेयर करूंगा कि जी मुझे पसंद आया है, आप भी ट्राई करें, तो मैं अपनी प्रोफाइल पे शेयर करूंगा, बिजनेस पेज पे या अपने पेज पे ये वाली चीज मेंशन नहीं करूंगा। अपने पेज पे मैं अपने बारे में ही लोगों को बताऊंगा, राइट। कोई इंटरनेट पे मुझे आर्टिकल अच्छा लगा तो मैं उस आर्टिकल को आगे फॉरवर्ड करूंगा, लेकिन वो प्रोफाइल पे करूंगा रादर देन योर फेसबुक पेज। ये सारी की सारी चीजें आपने अगर खुद क्रिएट की हैं तो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, दैट इज मोर सजेस्टेड, इंस्टेड के आप इस तरह की कोई चीज करें जो कि दूसरों को हेल्प करने की बजाय आपको नुकसान,
राइट सो पोस्ट आप करें, आर्टिकल शेयर करें, कुछ भी शेयर करें, लेकिन वो प्रोफाइल अपनी शेयर करें, प्रोफाइल पे शेयर करें, राइट पेज पे आपने शेयर नहीं करना। कभी भी कैटलॉग या कैटलॉग के स्क्रीनशॉट अपने फेसबुक पेज पे नहीं लगाने, हमेशा अपने फेसबुक स्टोरीज या जो शेयर की ऑप्शन आती है ओरिफ्लेम में, ब्यूटी एडिट में, उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे मीडिया लाइब्रेरी के अंदर कुछ चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें आप खुद क्रिएट करें। आपको अपनी पोस्ट खुद क्रिएट करनी चाहिए फेसबुक पेज के ऊपर, अपनी स्टोरी बनाने के लिए या अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने के लिए ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट और यही सब कुछ अगर मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक पे करना ही है या आपने लाइव जाना ही है, तो जो हमारे इवेंट्स होते हैं आप उनको लाइव करें। मिसाल के तौर पे आप फेसबुक जो कैटलॉग लॉन्च होगी हमारी, जैसे नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह नेक्स्ट नई कैटलॉग आ रही है अगले क्वार्टर के लिए जो कि जनवरी में स्टार्ट होगी, तो जनवरी की कैटलॉग को आप अपने फेसबुक पेज से लाइव शो करें ताकि लोगों को पता चले कि क्या चीज हो रही है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड डू। अगर आप ओरिफ्लेम कंपनी की कोई इवेंट को कर रहे हैं तो दैट इज ओके, लेकिन वो भी बेहतर यही है कि आप खुद से इवेंट क्रिएट करके खुद लाइव हो, खुद लोगों को रिव्यू दें, खुद लोगों को बताएं कि क्या चीज हो रही है। हमें मतलब आप लोग ये समझते हैं कि मैं ओरिफ्लेम का नाम अगर अपनी प्रोफाइल में या अपने पेज में रख लूंगा तो वो कभी ना कभी उसका नुकसान ही होगा आपको। उसकी वजह यह है कि ओरिफ्लेम कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप ओरिफ्लेम के हिस्से का काम करें। आपने अपना काम करना है, आपने अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो ब्रांड इमेज है उसको लोगों के सामने लेके आना है कि व्हाट यू आर इन्फ्लुएंसर, यू आर ब्लॉगर, यू आर प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। सो ये सारी की सारी चीजें आपने खुद अपने पेज पे अपने लिए करनी है, ना कि ओरिफ्लेम के लिए करनी है, क्योंकि लोगों ने ज्वाइन आपको करना, ओरिफ्लेम को नहीं करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि लोगों ने ज्वाइन आपको करना है, ओरिफ्लेम को ज्वाइन नहीं करना। ओरिफ्लेम से वो बिजनेस करेंगे, ओरिफ्लेम के साथ वो बिजनेस करेंगे, लेकिन ज्वाइन आपके साथ करें। सो कोई भी ऐसा इमेज शेयर ना करें जिसमें बहुत ज्यादा टैक्स हो। मैं इसकी डिटेल्स और इसकी एग्जांपल्स भी इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि कोई भी ऐसी चीज आपने नहीं करनी जिससे कि आपका जो इमेज है वो बेहतर ना हो सके। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल मैं अभी सुबह भी जब ट्रेनिंग हो रही थी तो मुझसे सवाल किया गया था कि जी लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो उसकी एक बेसिक वजह यह है कि लोगों को ट्रस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उनके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ता है, और रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपना और उनका नाम, उनका काम, अपना काम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक कॉमन ग्राउंड पे एक ऐसी चीज को आपने देखना होगा, ऐसी चीज को समझना होगा जो कि दोनों में कॉमन हो, म्यूचुअल हो, राइट। एग्जांपल के तौर पे मैं एक ब्लॉक में रहता हूँ या मैं एक अपार्टमेंट में या एक बिल्डिंग में रहता हूँ, अब उस बिल्डिंग के अलावा मैं किसी दूसरे अपार्टमेंट या किसी दूसरी बिल्डिंग में जाके कहता हूँ जी नॉक करके दरवाजा, दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड ना, दिस इज समथिंग टू टेल यू कि इस तरह से होता है। आप क्या करते हैं, आप नॉक करते हैं दरवाजा, और दरवाजा नॉक करते हैं, आगे से एक खातून आती है, कहती है जी बताइए, आप उसे कहते हैं जी ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स ले लें, ओरिफ्लेम का बिजनेस कर लें। डू यू रियली थिंक कि वो आपकी इस बात से एग्री करेंगे? नो, नेवर, दे विल नेवर एक्सेप्ट दैट। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, उनकी किसी पार्टीज में, गेट टूगेदर गैदरिंग में, इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा एक दूसरे को। और फिर आप एक दूसरे के बारे में जब जान जाते हैं, एक दूसरे को पता चल जाता है, एक दूसरे का पता चल जाता है, तो फिर आप एक दूसरे की कॉमन ग्राउंड या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एक दूसरे को कोई ना कोई चीज ऑफर कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें आपको फेसबुक पेज के थ्रू क्रिएट करनी है कि आप अपनी बिजनेस, अपना ट्रस्ट, अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं, और वो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आपकी फेसबुक प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो। मुझे कहते हुए इसमें कतई तौर पे कोई मसला नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ नहीं करते या अपने डाटा को अपडेट नहीं करते या अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आपके लिए होता है। दिस इज वॉट यू नीड टू डू, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू एवरीथिंग जो कि दूसरे बंदे की अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, उस पर ट्रस्ट डेवलप करने के लिए हो, उसका ट्रस्ट आप पे डेवलप करने के लिए हो। और यही वजह है कि हम लोग ये चीज में मार खाते हैं, हम लोग ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाते और एक दूसरे के साथ
वो रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर पाते और एक दूसरे की बात से एग्री नहीं कर पाते। यही सारी चीजें आपको क्रिएट करनी है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फेसबुक पेज के अंदर किस तरह से आपने क्रिएट करना है, कैसे आप कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले आपने उसको फेसबुक का पेज का नाम रखना है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अनीता ब्यूटी एंटरप्रेन्योर, मतलब पेज से ही नाम पता चल रहा है कि जी अनीता जो कि ब्यूटी एंटरप्रेन्योर है वो समथिंग विल गिव मी टू बाय रिलेटेड टू ब्यूटी। आई एम सॉरी जी, मैं जब फ्लो में आता हूँ तो फिर पता नहीं चलता इंग्लिश में बात हो जाती है, तो मैं सुबह भी फीडबैक आया था कि इंग्लिश में बात कम करनी है। मैं कोशिश करूंगा जी कि इंग्लिश में बात कम हो। सो अनीता की बात हो रही थी कि आप अपने पेज का नाम ऐसा रखें जो कि ये बिजनेस गोल डिपेंड आपको डिसाइड करता हो, बताता हो कि आपने किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो अपना नाम का पेज बना सकते हैं, ब्यूटी एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, डिजिटलाइजेशन मूवमेंट का कोई नाम रख सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच यू कैन डू, यू कैन मैंशन दैट, बट इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से उन चीजों को फोकस कर रहे हैं। अगर आप ये करेंगे कि जी सिर्फ नाम रख लेने से चीजें बन जाएंगी या हो जाएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? फिर उसी से रिलेटेड आप जो ऑडियंस, मिसाल के तौर पे जो लाइक माइंडेड लोग आपके पेज पे आएंगे, उन्हीं के लिए आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मैं जो कॉन्टेंट अपलोड करूंगा वो इस तरह के लोगों के लिए होगा। कंटेंट आपका तीन तरह का हो सकता है, या तो आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, या आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, या पिक्चर बना सकते हैं। इन तीनों के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सेम रहेंगी कि बिफोर एंड आफ्टर की इमेज आपके अपने। डोंट यूज गूगल्स इमेजेस बिफोर एंड आफ्टर, झूठ होते हैं वो सारे, पता नहीं किसने बनाए हुए हैं, आई डोंट नो। सो अगर आपने पिक्चर पोस्ट करनी है सो अपनी पोस्ट करें, अगर आपने कैटलॉग पोस्ट करनी है तो उसमें प्रोडक्ट के रिव्यूज को आप दें। कैटलॉग पोस्ट कर देना इज समथिंग जो कि आपको हेल्प नहीं करेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको कैटलॉग में मौजूद जो प्रोडक्ट है उनके रिव्यूज देने आने चाहिए, टेस्टिमोनियल देने आने चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोडक्ट परचेज की, आपके किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज की, उसको वो प्रोडक्ट बहुत पसंद आई, आपने क्या किया उसे एक 10 सेकंड 15 सेकंड का आपने से एक वीडियो रिकॉर्ड की, वो वीडियो रिकॉर्ड करके आपने फेसबुक पेज पे अपने अपलोड कर दी, राइट? फिर इसी तरह से ट्रेनिंग्स आप करवा सकते हैं ऑनलाइन कि जी आप लोगों को बताएंगे कि जी हम लोग स्किन केयर के अंदर एक्सपर्ट हैं, स्किन की जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर्स होंगे उन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए। फिर इवेंट्स के बारे में आप बता सकते हैं, आपकी टीम के अंदर अगर किसी ने कोई अचीवमेंट की है, इवन यू हैव अचीव्ड समथिंग, आप वो मेंशन करें, लिस्टिकल्स दें किस लेवल पे कितने बंदे आ गए हैं, 50 लोग थे मेरी टीम में, आज वो सब के सब 5,000 से ऊपर 10,000 से ऊपर इनकम कमा रहे हैं, राइट? फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी दें कि जितने भी लोग हैं वो किस तरह से इसको एज अ बिजनेस ले सकते हैं। सो मेरा जहां तक मानना है कि आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि जब आप पिक्चर पोस्ट करें, वीडियो पोस्ट करें या लाइव स्ट्रीम करें, तो आपने इन चीजों को ख्याल में रखना है। जब तक ये नहीं करेंगे उस वक्त तक ना आपकी पिक्चर पोस्ट का कोई फायदा होगा, ना वीडियो का, ना लाइव स्ट्रीमिंग का। और फिर हम लोग ये भी कहेंगे कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि हम इस तरह की पिक्चर्स अपलोड करते हैं जैसे कि आपके सामने आ रही है। मैंने पिक्चर अपलोड कर दी है जी, किस चीज के नाम से? मैंने मिल्क एंड हनी के नाम से पिक्चर अपलोड कर दिया। अच्छा जी, कितने की है? 400 रुपए की। सो क्यों पिक्चर, मतलब क्या फायदा मुझे इसका? किन लोगों के लिए, कौन यूज करेगा, किस तरह यूज की जाएंगी? तो वो अप्लाई आपने, अगर आप अप्लाई नहीं भी कर रहे लेकिन आप अगर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट ना। अच्छा, अब आपने खुद ही देखना है, कंपैरिजन में आपको दिखाऊंगा दो चीजों का। पहला ये कंपैरिजन जो हम करते हैं इवन अपनी प्रोफाइल पे या अपने फेसबुक पेज पे, और इस पिक्चर का, इसका डिफरेंस किसका फायदा ज्यादा होगा, मतलब दोनों चीजें आपके सामने हैं। एक
क्रॉस बना हुआ चीज है जो कि हम सजेस्ट करते हैं कि नहीं करना, और एक गुड या टिक राइट लगा हुआ निशान जो आपको बताया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आपके पास इतने ज्यादा लोग होंगे तो ही आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दे सकते हैं या आप इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, नहीं, दिस इज नॉट लाइक दैट। वट यू कैन डू इज आप अकेले बैठ के उस कैटलॉग का भी रिव्यू दे सकते हैं, आप अकेले बैठ के उस प्रोडक्ट को खुद से अप्लाई करके भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ब्यूटी जो स्कीम है उसको भी अपडेट कर सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अपना इंफॉर्मेशन, अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर सकते हैं। दीज आर द मेन थिंग्स विच यू शुड डू। अच्छा, अब अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, मैं अब ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। ये अपॉर्चुनिटी देखिएगा जो मैंने लिखी, वर्क फ्रॉम होम ओरिफ्लेम लिख के मैंने अपलोड कर दी और पिक्चर्स अपलोड कर दी। अब दूसरी तरफ मैंने क्या किया, मैंने एक अपना कंटेंट क्रिएट किया, अपनी पिक्चर लगाई, अपनी फैमिली को मैंने बताया, मैंने अपनी टीम को लोगों के सामने लेके आया और मैंने कहा कि द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माय बिजनेस इज टू सी माय सेल्फ एंड माय लवली टीम मेंबर्स गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर हार्ड वर्क। ऑनलाइन इवेंट्स हमारे हो रहे हैं, अब चूंकि हम डिजिटल जब से हुए हैं या डिजिटल हमने अपनी एक्टिविटीज करना शुरू की हैं, तो उसके बाद से किसी भी आप लीडर्स में से किसी ने भी अपने तौर पे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं की कि वो उनको प्रमोट या अप्रिशिएट कर रहा हो या रिकॉग्नाइज कर रहा हो इतने वास्ट एरिया के ऊपर। अब जैसे दूसरे लेवल पे देखा जाए तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है बड़ी सिंपल सी, लेकिन पिक्चर्स अपनी लगाई और अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की पिक्चर लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि आप अगर चाहते हैं 2021-20 में एक्सेल करना, आगे बढ़ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं, ज्वाइन मी। ये आप लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट पिक्चर्स, डिफरेंट टेक्स्ट, और एक ये आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप इस तरह से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि एक 20 साल की खातून लड़की जिसने ये तीन चीजें अचीव कर ली और एक सीईओ की तरह अपने नेटवर्क को रन कर रही है, अपने बिजनेस को रन कर रही है, एंड शी इज हर ओन बॉस, अर्निंग डिफरेंट अमाउंट फ्रॉम द पीपल जो कि उनके ऑलरेडी उनके सोशल सर्कल में थे, उनके जानने वाले थे, उनसे ज्यादा पैसे कमा रही है। फिर एक ऐसा बंदा आपने लाके लोगों के सामने खड़ा कर दिया जिसका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके बताया कि जी वो किस तरह से एक सिंपल हाउसवाइफ से, मदर से, सिंगल पेरेंट से, व्हाटएवर, वो एक इस लेवल पे पहुंच गया कि वो अब इनकम कमा रही है और लोगों को हाईलाइट और प्रमोट कर रही है। दिस इज हाउ यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर अचीवर्स। और यही वजह है कि जब हम रिकॉग्नाइज या इस तरह की चीज करते हैं तो चीज करने के बाद हम लोग उसको प्रमोट या एडवर्टाइज नहीं करते हैं। सो प्रमोट या एडवर्टाइज करने के लिए सबसे पहले आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि फेसबुक पे आपने एडवर्टीजमेंट कैसे करनी और ऑप्टिमाइज करना अपने एड्स को, राइट? और वो कैसे होगा, वो सिंपल एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आपने बजट बनाना, टारगेट सेट करना है, और वो टारगेट किन लोगों, टारगेट से मुराद ये कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं उस बजट से, उस कॉन्टेंट से जो कि आप क्रिएट करेंगे। बजट आप रखेंगे जी मेरा मंथली बजट जो है वो 2000 रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2000 रुपया हर महीने इस चीज पे लगाना है। टारगेट मेरा ये है कि मैं जितने भी लोग अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं या जो कोई भी एस्पिरेशन ढूंढ रहा है, मैं उनको टारगेट करूंगा, और मैं टारगेट अचीव करने के लिए जो कंटेंट या जिस सर्विस का इस्तेमाल करूंगी वो इतनी ज़बरदस्त होगी कि लोग खुद ब खुद इम्पल्स बिजनेस और सर्विस को कनेक्ट कर दें या उसके साथ ऐड हो जाए। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब अपना फेसबुक एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो उसको प्लान करना बिफोर टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, एडवर्टीजमेंट का प्लान कैसे बनेंगे जी? आप जैसे मैंने अर्ज किया कि जी आप फरवरी दिसंबर की बात कर रहे हैं, दिसंबर में मैंने 2-3 हज़ार रुपये का बजट बनाया। अब इसको मैंने स्प्लिट करना है तीन चीज़ों में, एक प्रमोट करने के लिए पेज को, पोस्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए पोस्ट को, और मैसेज करने, एडवर्टीजमेंट करनी है मैंने। सो ये तीन मेजर प्लानिंग वो होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं जो कि आप फेसबुक पे कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं तो आप फेसबुक पेज को प्रमोट करने के लिए 500 रुपये का बजट लगाते हैं और एक कैंपेन रन करते हैं जिसमें आप तकरीबन 200 के करीब लाइक्स जो हैं वो हासिल कर रहे होते हैं मंथली नए, और
जो क्रिएट करता है आपको आपके बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो फेसबुक इज डूइंग समथिंग कि वो आपके लिए काम कर रहा होता है, उन लोगों तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा होता है जिन 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 तक आप जिनको खुद नहीं जानते हैं। इसी तरह फिर आप पोस्ट करने के लिए अपनी 500 रुपये की बजट इसमें सेट कर देते हैं कि जी 4 से 5 पोस्ट मैं 1 महीने में सेट करूंगा, इस पे मेरे लोगों की जो रीच है वो तकरीबन 3,000 से 9,000 तक हो जाएगी, और मुझे फायदा क्या होगा कि मेरी विजिबिलिटी और एंगेजमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, लोगों मेरे जो पेज है या मेरी जो कंटेंट है उसका एक्सपोजर लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। उसके बाद आ जाता है जी 2,000 रुपये आपने बजट एलोकेट कर दिया अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए कि जी मैंने 3 एड्स चलानी है 500 रुपये के हिसाब से, तकरीबन 45,000 लोगों तक ये बात पहुंचेगी और तकरीबन 300 मैसेजेस तक जो लोग हैं हम उससे कांटेक्ट करेंगे, और फेसबुक अलाउ करता है उन तमाम लोगों तक पहुंचने की जो कि आप रिक्रूटमेंट मैसेज भेज सकते हैं, जिनको आप रिक्रूट कर सकते हैं। सो ये है वो कंटेंट प्लान एडवर्टीजमेंट का जिसको आपने जहन में रखते हुए लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, प्रमोट पेज करना है, पोस्ट करनी है, पोस्ट को बूस्ट करना है और आपकी एडवर्टीजमेंट करनी है। ये 3 चीज़ों से आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें एक चीज़ पे मुनसर हैं और वो है आपकी प्रोफाइल। जितनी ज़्यादा प्रोफाइल आपकी ऑप्टिमाइज होगी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, उतना ज़्यादा जल्दी उसका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि पेज की अथॉरिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। सो आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट की है उस पे रिटर्न को भी आपने मॉनिटर करना है। मिसाल के तौर पे आपने कितनी नंबर ऑफ लीड्स जनरेट किए हैं इस 2,000 या 3,000 रुपए पे, मिसाल के तौर पे वो 250 थी, अब 250 में से कितने लोगों ने आपके साथ कांटेक्ट किया, वो 50 थे, तो इसका मतलब है कि आपका जो रिटर्न है वो पॉजिटिव जा रहा है। और इसी तरह से आपने क्या किया, जितने भी लोग आपके सामने मौजूद हैं उनमें से क्वालिफाइड रिक्रूट कितने हुए हैं, वो 30 हैं। मतलब नंबर ऑफ रिक्रूट्स वो हैं जो कि आपके साथ ज्वाइन हो गए जिन्होंने 100 पॉइंट्स नहीं किए, उन 50 में से 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 पॉइंट्स कर लिया, तो 3,000 पॉइंट आपके पास आ गया। ये आपके अपने की मैं बात कर रहा हूँ, टीम की बात नहीं कर रहा, मैं आपके अपने अपने की बात कर रहा हूँ। और फिर इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पे मैं यही चीज अपनी टीम के अंदर अपने मैनेजर्स में इंप्लीमेंट कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो मेरे पास तकरीबन 10 नए मैनेजर्स आ सकते हैं। अंदाजा लगाएं कि एक 3,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आपको अगर मिसाल के तौर पे 5 लोग भी मिल रहे हैं, मैं इसको मिनिमम लेवल पे भी ले जाता हूँ, तो 1 महीने में 500 पॉइंट आपको मिल रहा है, यानी कि 6% पे आप पहुंच रहे हैं 1 महीने में। और वही 6% पे पहुंचने के लिए आप डिफरेंट लोगों से भी बात कर रहे हैं, लोगों को आप बता भी रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही होती हैं। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं आपकी पेज को एड्स को बूस्ट करने के लिए, तो वो 2 कंपैरिजन है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो फेसबुक पोस्ट जो हैं वो आपके पेज से होती हैं और फिर आप उसको बूस्ट या प्रमोट करते हैं, फिर आप अपनी जो पोस्ट होती है उसको विजिबल करने के लिए चेकआउट करते हैं अपने फेसबुक पेज से, फिर आप पोस्ट नेसेसरली जो नहीं मौजूद, जो प्रोवाइड नहीं कर रही हैं आपकी लीड्स, उनको बेहतर करने के लिए दोबारा से पोस्ट करते हैं। और एडवर्टीजमेंट क्या होती है जी, ये फेसबुक एड्स कैन बी रन ओनली ऑन योर फेसबुक एड्स अकाउंट, उसके लिए आपको एक एड अकाउंट बनाना पड़ता है और एड अकाउंट आपका फेसबुक पेज पर बनता है। फेसबुक एड्स आर ओनली शोन टू योर प्रेफर्ड टारगेट ऑडियंस एंड कैंट बी सीन ऑन योर फेसबुक पेज। जो एड आपने रन किया वो पेज पे नहीं मिलेगा, वो बेसिकली पेड होगा जो अलग से रन होगा। और फिर फेसबुक एड जो टूल है वो आपको ऑप्शंस दे रहा होता है कि ट्रैफिक जनरेट हो आपकी वेबसाइट पे, लीड जनरेट हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म हो, जनरेट लीड डायरेक्टली ऑन फेसबुक पेज, ये सारी चीजें आपको मिल रही होती हैं। ये है जी एक इफेक्टिव एड्स की आउटलुक या उसकी प्रोफाइल या उसकी चीजें जो उन्होंने बताई हैं। बजट अनअसाइंड है, असाइंड है, वट एवर, रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, रीच आ रही है, इंप्रेशन आ रहे हैं। रीच बेसिकली आपके मिसाल के तौर पे 10,000 लोगों तक ये बात पहुंची है, लेकिन उसमें से 4,000 लोगों ने उस पर कॉमेंट या उस पर रिएक्शन दिया है, तो वो इंप्रेशन में काउंट होगा। ठीक हो गया जी। सो ये खुद देखें, 5 एड्स रन की, टोटल लीड्स 528 लीड्स और बजट आपका सिर्फ 4,000। ठीक है जी।
सो आई वुड सजेस्ट व्हाट वी कैन डू इज कि मैं आप लोगों को एक पेज बना के दिखाता हूँ अभी, जो कि आपको हेल्प करेगा कि पेज बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आई एम श्योर आप लोगों को मेरा स्क्रीन नज़र आ रही होगी। जी, स्क्रीन नज़र आ रही होगी जी, आई एम श्योर। अच्छा, पेज बनाने के लिए आपने क्या काम करना होता है? आपने जाना होता है facebook.com पे। facebook.com पे जाने के बाद आपने क्या काम करना है? आपने काम ये करना है कि आपने ये जो प्लस का साइन बना रहा है क्रिएट, इसको अगर इसके ऊपर लेके आएंगे ना तो क्रिएट लिखा आएगा। क्रिएट को क्लिक करेंगे तो आपके नीचे एक ऑप्शन, नीचे एक मेन्यू बार खुलेगा। मेन्यू के अंदर आपको लिखा आएगा पेज, इसको क्लिक करेंगे आप और उसके बाद आपके सामने एक पेज बनाने का तरीका या उसका फॉर्मेट जो है वो आ जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने पेज का नाम जो ऑलरेडी रखा हुआ है, मैं उसकी जगह पे कोई और नाम ऐसा सोचूंगा जो कि क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं पेज का नाम क्या होना चाहिए, तो जी पेज का नाम होना चाहिए दी आर्ट ऑफ लिविंग, एग्जाम्पल के तौर पे। पेज का नाम नहीं है जी, ऐसा कोई नाम नहीं है। सो यू कैन चूज दैट नेम एज वेल, द आर्ट ऑफ लिविंग। कैटेगरी क्या है जी? पर्सनल ब्लॉग या कोच कर सकते हैं, ब्लॉग कर सकते हैं, ब्लॉग कर लें। उसके बाद बिजनेस, बिजनेस कंसल्टेंट कर सकते हैं जी आप। उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें जो आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी डिस्क्रिप्शन, फ्रॉम दिस पेज यू कैन लर्न एंड लर्न हाउ टू अपडेट एंड मॉडिफाई योर लाइफ फॉर एवर। ऑन दिस पेज यू कैन लर्न हाउ टू अपडेट एंड मॉडिफाई योर लाइफ फॉर एवर एंड कैन अर्न फ्रॉम कैन अर्न बाय डूइंग BAUTPUSINES। ठीक है जी, इसको क्लिक कर दिया और उसके बाद मैंने कर दिया जनाब क्रिएट पेज। ओहो, द आर्ट ऑफ लिविंग इज ऑलरेडी टेकन, सो यू कैन नॉट टेक दिस। आर्ट ऑफ लिविंग के बाद हम लोग ये कर सकते हैं कि जी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं बाय वकास, आई गेस ये हो जाएगा। यस, ये लो। ओहो, ये भी है जी। अच्छा, द आर्ट ऑफ वेल बीइंग कर सकते हैं। द आर्ट ऑफ वेल बीइंग बाय वकास, ये लो। ठीक है जी, मेरा पेज का नाम आ गया द आर्ट ऑफ वेल बींग। इसके अलावा एक और काम भी कर सकते हैं। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू लाइक दिस, ताकि पता चले व्हाट आई एम राइटिंग। आर्ट ऑफ वेल बींग सिर्फ करते हैं, ये आ रहा जी। दिस इज अ नेम जी, द आर्ट ऑफ वेल बींग, ठीक हो गया। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा और भी बहुत से नाम आप रख सकते हैं, बट दिस दीज आर द मोस्ट थिंग्स जो कि मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप अपना पेज क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत से नाम सोचने पड़ेंगे पहले से, क्योंकि आपके जहन में जब तक ये सवाल नहीं होगा कि मैंने पेज किस मकसद के लिए बनाना है, उस वक्त तक आप इसको आगे नहीं लेके जा सकते। क्रिएट कर दिया जी मैंने पेज, नाउ माई पेज इज क्रिएटेड। देखें जी, नीचे मैसेज भी आ गया, यू कैन नाउ ऐड इमेजेस। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है जी, मैंने अब यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। तो प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए सबसे पहले जहन में आपने ये रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं सोच, मैंने जो पेज का नाम रखा हुआ है उस पेज के नाम के मुताबिक मुझे क्या
पिक्चर यहाँ पे सेट करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा जी, मैं अपडेट करता हूँ जी, डाउनलोड खाली है, ओके अभी देख लेते हैं जी, इसमें मेरे पास पिक्चर प्रोफाइल डाउनलोड, ये लें जी, मैंने अपनी पिक्चर यहाँ पे सेट कर दी। इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे लेके आ सकता हूँ, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उस साइज के मुताबिक आ गई। अच्छा जी, अब कवर फोटो मैंने सेट करनी है, कवर फोटो मैं सेट करूंगा जनाब, ये लें जी, दिस इज माय कवर फोटो, सॉरी ये गलत अपडेट कर दिया है मैंने, नई अपडेट करनी थी ये वाली, अच्छा अब थोड़ी सी चीजों का आपने ख्याल रखना है, थोड़ी सी चीजें कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी चीजों का ख्याल ये रखना है कि जो भी मैंने कवर फोटो लगाई है या जो भी मैंने पिक्चर लगाई है वो मेरे पेज के नाम के साथ फिट होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैंने नाम रखा है द आर्ट ऑफ वेल बींग, इट स्टार्ट्स विद यू, समझ रहे हैं, कवर फोटो के अंदर भी यही चीज मेंशन हुई हुई है। प्रोफाइल पिक्चर मैंने अपनी लगाई हुई और मैंने पूरी तरह से जरा डैशिंग पिक्चर अपनी सेट की है ताकि लोगों को पता चले कि जी ये जो बंदा मुझे बता रहा है कि मैं वेल बीइंग आपको बना सकता हूँ तो वो खुद कितना वेल बीइंग है, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप एक इस तरह की चीजें सेट करते हैं तो आपकी ये बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें होती हैं जो कि आपको मैटर करती हैं, आपको इनको अपडेट करना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है जी, इसको जरा ठीक कर लें और वो आएगा यहाँ से, एडिट रिपोजिशन सेव चेंजेस, उसके बाद यहां पे लिखा रहा है क्रिएट यूजर नेम, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे मैं अपना यूजर नेम रखूंगा आर्ट ऑफ वेल Being by Vikas, ठीक है जी, क्रिएट कर लिया। अब आप ऊपर ये देखिएगा, जब मैंने ऊपर ये लिखा है ना तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम जो आया है, मैं जब भी कभी किसी को अपने पेज के बारे में दूंगा तो मैं यहाँ पे oriflame.com/theartofwellbeing ये अगर मेंशन कर दूंगा ना तो ऑटोमेटिकली मेरे पेज पे वो लैंड कर जाएगा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो ये पेज आपका क्रिएट हो गया। अब पेज तो आपका क्रिएट हो गया, उसके बाद आपने इसकी सेटिंग्स करना बहुत जरूरी है, सेटिंग्स को अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। मैं इस पेज को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी पेज एक बना चुका हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप इसको इस नाम को भी ले सकें, सो यू कैन टेक दिस नेम एज वेल। मेरा ऑलरेडी एक पेज, बेसिकली मेरे दो पेजेस हैं, एक मेरा पर्सनल है और दूसरा मेरा ऑफिशियल है, विकास हुसैन खान, अगेन विकास हुसैन खान द पर्सनल ब्लॉग जो कि मैंने खुद अपना बनाया है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं ये कहूँ कि जी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैंने बनाई है, दिस इज़ माई पर्सनल और ये इसमें सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। ये 755889 फॉलोअर्स, ये मेरे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं। और जबकि मैं अगर इसकी बात करूँ विकास हुसैन खान की, जो दूसरा ऊपर वाला पेज है दैट इज माय ऑफिशियल पेज जिसमें मैं अपनी ओरिफ्लेम की जितनी भी अपडेट्स हैं वो इसमें दे रहा होता हूँ। मैं इसको खोलूंगा क्योंकि इसमें हमारे पास काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। विकास हुसैन खान पब्लिक फिगर ESM ओरिफ्लेम पाकिस्तान, ठीक है जी, ये मैंने अपना यूजर नेम रखा हुआ है। अब ये वाली चीज जो आपके सामने, एक पोस्ट मैंने बनाई, पोस्ट बनाने के बाद ये नीचे बूस्ट की ऑप्शन आ रही है, इसको आपने ऑप्शन को हमेशा यूज करना है टू बूस्ट योर पोस्ट, क्योंकि जैसे ही आप अपनी पोस्ट कोई लगाते हैं अपने पेज पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है। अब ये मुझे क्या कह रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि जी ऑटोमेटिक रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो चेंज हो, मतलब जो आपका गोल है उसके मुताबिक सेटिंग्स आप चाहते हैं या कि हम खुद जो सेटिंग्स हैं वो अपडेट कर दें या कुछ क्या क्या करना चाहते हैं आप।
तो मैं कुछ नहीं करना चाहता, जो आपका मेरा जो गोल है कि जी आप ये मेरी जो पोस्ट है ये सब लोगों तक पहुंचा दें, और टोटल बजट मेरा 1,000 रुपये का आ रहा है, जिससे तकरीबन 3,500 लोगों तक मेरा सॉरी हाँ 3,500 लोगों तक मेरा जो डाटा है वो जाएगा। ठीक है जी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें जानी चाहिए जी? सोशल एड कैटेगरी मुझे नहीं चाहिए। ऑडियंस किस तरह की होनी चाहिए? ऑडियंस होनी चाहिए जी आपकी वो बेसिकली ये वाली कि जी पाकिस्तान में जो लोग रहते हो 18 से लेके 65 साल की उम्र हो। डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन मैंने ऑफ की हुई है। जरूरी है कि वो लोग मेरे पेज को लाइक करें, यस इसको क्लिक कर दें। पीपल हु लाइक योर पेज एंड देयर फ्रेंड्स इसको कर दें। दिस इज ऑल डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। 1,000 रुपये के अंदर मैं 3 दिन के लिए एड चलाऊंगा, 25 दिसंबर को ये एड खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो ऑडियंस देख रहे हैं आप, ये देखते जाइएगा, ऑडियंस देखते जा रहे हैं कम होती जा रही है। मैंने 3 दिन की मिनिमम सेट की, मैंने इसका बजट 1,500 कर दिया, 2,000 कर दिया चले जी। अब ये देख रहे हैं आप ये देखें, ये मेरी बूस्टिंग के रिजल्ट्स हैं, ये मेरी बूस्टिंग के रिजल्ट्स हैं। मैंने बूस्ट नहीं करना, व्हाट आई विल डू, मैंने एक हजार से ज्यादा खर्च नहीं करना। जब ये मैं कर दूंगा तो नीचे ये पेमेंट मेथड आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि हमें हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है, उनके पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते हैं, तो कोई बात नहीं, हम में से मोस्टली लोगों के पास जैस कैश होता है। ठीक है जी, और जैज कैश होने की वजह से क्या आप कर सकते हैं जी, आप जैज कैश अकाउंट की जो कार्ड की डिटेल्स हैं वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट किया, क्रेडिट आपका जो कोड होगा, जो क्रेडिट कोड होगा वो आपने इसमें मेंशन करना है, जो आपका अपना होगा। अदरवाइज क्या करेंगे आप ऐड क्रेडिट की बजाय डेबिट कार्ड कर दें। मेरे पास ऑलरेडी मेरा क्रेडिट कार्ड है एक, अगर मैंने कोई शॉपिंग करनी होती है तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लिखता हूँ यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर है जी, नाम है वकास हुसैन खान। ऑब्वियसली ये जैस कैश का जो आपका कार्ड होगा उसके ऊपर भी आपका ये नाम लिखा होगा, वो नाम आपने लिखना है, उसके ऊपर कार्ड का नंबर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर, उसमें मंथ डेट होगा और सीवीवी होगा जो बेसिकली कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है, 3 हिंसों का डिजिट होगा। इसको आप सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्फॉर्मेशन इसमें रन हो जाएगी। मैं अभी इसको चेंज कर रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि मुझे तो यूज नहीं करना ना अभी, राइट। सो ये इस तरह से आप करते हैं। दूसरी चीज जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट करनी होती है, मैं यहां से इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट नीड टू बूस्ट दिस पोस्ट। ठीक है जी, मैं अब जाऊंगा, अल्लाह आपका भला करे, यहां पे फेसबुक एड्स मैनेजर इसको क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास फेसबुक एड मैनेजर आ गया। क्रिएट एन अकाउंट, अच्छा जी क्रिएट एन अकाउंट एड पे मैंने अपना क्रिएट एन अकाउंट किया, मैं ऑलरेडी लॉगिन था, मैं ऑलरेडी बना हुआ हूं तो मुझे जरूरत नहीं है दोबारा से लॉगिन करने की, तो दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी क्या क्या चीजें कह रहा है जी, वो 7 चीजें आपको बता रहा है। पहली चीज बता रहा है जी, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटिक एड्स, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, बूस्ट अ पोस्ट, गेट मोर मैसेजेस, प्रमोट योर पेज, गेट मोर लीड्स। तो आई वुड प्रेफर, मैं अपनी अगर आपको बात करूं तो 2 रिकमेंडेशंस वो आपको ऑलरेडी दे रहा है कि जी मेरे वेबसाइट पे विजिटर्स ज्यादा होने चाहिए, तो मेरी तो वेबसाइट ही नहीं है, तो मेरा तो क्या है, लीड्स को जनरेट करना है। तो लीड्स को जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी, विकास हुसैन खान फ्रॉम क्रिएटेड 22 दिसंबर, कस्टम जो कि टेक्स्ट में जाना चाहिए। टेक्स्ट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए जी How to be rich? ठीक है जी, description, a unique opportunity to learn to earn and make others to earn without
बॉस। राइट अच्छा, अब इसके बाद वो क्या आ रहा जी, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर चाहिए आपका, आपने मेंशन करना है यस। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू लाइक टू आस्क फॉर, फुल नेम चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, सी ऑल क्या क्या चाहिए जी, एड्रेस चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, यस डेट ऑफ बर्थ इसलिए चाहिए कि जब अगर कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन कर लेता है तो उसकी डिटेल्स आपके पास आ जाती हैं, तो आप उसको कुछ ग्रीटिंग्स भिजवा सकते हैं, उसको आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आपको पता होगा कि इस बंदे की कोई आ रही है, तो एक एक रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है जी। शॉर्ट क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हैं जी, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जी, डू यू रियली लुकिंग फॉर समथिंग टू मेक मनी, ठीक है जी। लैंग्वेज इंग्लिश की होनी चाहिए, एड प्राइवेसी पॉलिसी ऑप्शनल जरूरी नहीं है, मैं इसको ओके कर दिया, नेक्स्ट कर दिया जी। अब मेरे पास एड प्रीव्यू आ गया, ये चलेगा जी मेरा एड, एरिया सेल्स मैनेजर, ठीक है जी, और ये इन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, इतने पैसे लगेंगे 6,000 रुपए में, परमानेंट समरी ये आ रही है मेरे पास, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं, मैं कहता हूं जी कि मुझे 1,000 करते हैं जी बस, ठीक है जी, और मैं इसको ले जाता हूं कम दिनों पर, 4 दिन के लिए मैंने चलाया, तो मेरे पास जो रेंज आएगी इस बजट की वो 1,000 रुपए में तकरीबन 2300 लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। बटन कौन कौन सा चाहिए, अप्लाई नाउ, लर्न मोर का बटन आप लगा सकते हैं, परमानेंट समरी क्या हो सकती है, और ये सब कुछ आप अपडेट कर सकते हैं इसके मुताबिक। सो ये इस तरह से आपने अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होती है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपने नहीं अपडेट करनी, मैंने इसको लीव कर दिया है, तो आई एम श्योर आप लोग भी अब इसको खुद से ट्राई करेंगे।
जी सलाम अलैकुम जी। अच्छा जी, अब होगा ये कि जिन लोगों का जो भी क्वेश्चन है उसके लिए वो अपना हैंड रेज करेंगे, मैं उनको अनम्यूट करूंगा और उसके बाद उनसे क्वेश्चन किया जाएगा। सो आई एम श्योर हमारे पास लोग हैं जी जिनके सवाल हैं। मैसेजेस मैं दोबारा से डिसेबल कर रहा हूँ जी, क्योंकि मैसेजेस पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा बेसिकली। सो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जी। पहले हमारे साथ है मोहसिन लोधी, आपको रिक्वेस्ट कीजिए, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को और क्वेश्चन कीजिए अपना। जी मोहसिन, आपको अनम्यूट किया जी मैंने, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए रिक्वेस्ट और अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं है जी, चलें, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट हैं डॉक्टर सिद्रा हमारे साथ जी। डॉक्टर सिद्रा, आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट की है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और क्वेश्चन कीजिए। जी सर, मैंने ये पूछना था कि हम फेसबुक के ऊपर जैसे कि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है जी, आई एम सॉरी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम फेसबुक पेज पे अपनी ऑडियंस क्रिएट भी कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब हम उनसे ऑर्डर्स लेते हैं तो फिर हम उन तक पहुँचाएंगे किस तरह से वो ऑर्डर? जाहिर है उसके लिए डिलीवरी चार्जेस का फिर इशू आएगा और प्रोडक्ट की उसमें आ जाएगा, फिर कॉस्ट में चीज़ वो ऐड होगी। जी बिल्कुल होगी, कि प्रोडक्ट आपको मंगवानी है ना, सॉरी कस्टमर को मंगवानी है, तो पैसे तो चार्ज करेंगे आप। जी बिल्कुल, जब हम ऑनलाइन करवा रहे हैं तो फिर लोगों को पहुंचानी भी होगी, और ऑडियंस जरूरी नहीं है हमारे अपने सिटी से, वो कहीं से भी हो सकती है, फेसबुक पेज पूरे पाकिस्तान से हो सकती है। जी बिल्कुल जी, तो क्वेश्चन है क्या, मैं समझ नहीं पाया आप कहना क्या चाह रही हैं। वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ये चीज ऐड होगी जब हम उन तक डिलीवरी करवाते हैं, कि आप जाहिर है ऑर्डर मेरे पास आएगा, प्लेस मैं करूंगी, और उसके बाद मुझे उस चीज को, जो भी मैंने कंसल्टेशन दी है किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, तो जी मुझे उस तक वो चीज पहुंचानी है, तो जी वो उसके मुझे यहाँ से फिर उसको करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, डिस्पैच करना पड़ेगा क्या, जी या हम एड्रेस पे भी मंगवा सकते हैं? हम मंगवा सकते हैं, लेकिन उस पे आपको 20% डिस्काउंट जो मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा, वो तो डायरेक्टली फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे जाएगा उनके एड्रेस पे। राइट, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट है जी हमारे साथ नौशाद हानिया जी। नौशाद, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी नौशाद, आपको रिक्वेस्ट की है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। नहीं है जी, चलें, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। मैं नेक्स्ट, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, काफी लोग क्वेश्चन करने के लिए वेट कर रहे हैं। नादिया सुलमान है जी हमारे साथ, रिक्वेस्ट किया मैंने, प्लीज आपका सवाल जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारी अभी एक दोस्त ने जो बात की है कि अगर फेसबुक पे हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि हम उनसे इजी पैसा के थ्रू जो वट एवर जो मीन हम यूज करते हैं उनसे हम पेमेंट ले लें, और जो ओरिफ्लेम को हमने पेमेंट करनी है वो हम ओरिफ्लेम के अकाउंट में दे दे, और उनको इनवॉइस तो वही जाएगी ना जो आपको मिलती है, हमें तो नहीं पता कि वो खुद कस्टमर है या कोई और है। एग्जैक्टली वही सर, तो इनवॉइस का कोई और सीन नहीं हो सकता कि वो ना जाए, सिर्फ जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स जाए? नहीं जी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं होगा। अच्छा जी सर, एक और मुझे क्वेश्चन है, दो दिन से मैं मीटिंग्स आपकी अटेंड कर रही हूं, मैं करना चाह रही हूं, क्वेश्चन समझ लें या कंफ्यूजन समझ लें। सर, हम ओरिफ्लेम के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, हम ओरिफ्लेम को अभी रिक्यूट्स बनाने की बात में बात करते हैं, पहले हम सेल की बात करते हैं, हम सेल करते हैं, हम प्रोडक्ट्स को की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों तक यूं समझे घर घर हम प्रोडक्ट्स की पहचान करवा रहे हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के थ्रू है, हमने ग्रुप बनवाए हुए हैं, या हम फेसबुक में कर रहे हैं, हमें 2-3 महीने लग जाते हैं, हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक लेवल पे पहुंचने के बाद जाके हमारी कमीशन स्टार्ट होती है, ठीक है। अब कमीशन जब स्टार्ट हो गई तो फिर हम सपोज मैं अब 6% पे आ गई हूँ, अभी तक तो खैर मुझे कोई कमीशन नहीं मिली क्योंकि मेरा सेकंड मंथ में ही मैंने दोनों लेवल ले लिया है, तो जब कमीशन स्टार्ट होती है उसके बाद नेक्स्ट मंथ से अगर मैं उस परसेंटेज को मेंटेन नहीं रख पाती, ये रिस्क तो अल्लाह के हाथ में, हो सकता है मुझे उस मंथ में वो सेल ना मिले। अल्लाह के हाथ में ये जरूर है कि आप मेहनत करें, अल्लाह के हाथ में ये नहीं है कि आप बगैर मेहनत करें पैसे मिल जाए। नहीं नहीं सर, मेहनत तो डेफिनेटली हम कर रहे हैं, कंफ्यूजन ये है, मेहनत का सिला आपको मिलता है, कभी ना कभी मिलता है, वो चाहे लेट मिले या जल्दी मिले, वो तो आपको करते रहना पड़ेगा ना सर। सपोज अगर हम अपने 100 पॉइंट्स पूरे नहीं कर पाते तो हमारा कमीशन, हमारा सारा कुछ वहीं पे रुक जाता है।
जी कमीशन नहीं मिलेगा सर, यही चीज ना, तो इसको हम कैसे मेंटेन करें, इसमें आप हमें गाइड भी करें और उसका आंसर आप इस तरह से करें कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था, अभी भी कहा है, दोबारा कहूंगा और हर दफा कहता रहूंगा कि हम हमेशा से ये बात करते हैं कि आपने 3 नए लोगों को हर रोज अपनी प्रोडक्ट स्टोरी, अपनी इंफॉर्मेशन भेजनी है ताकि वो आपके साथ ज्वाइन करें। हम लोग डिपेंड करना शुरू कर देते हैं कि मैंने अगर एक बंदे को ज्वाइन कराया है तो वो अब आगे अपनी टीम बना ले और मैं चुप करके बैठ जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा करना भी नहीं है। आपको हर महीने अपने साथ लोगों को ऐड करते रहना है और जो सर, लोग ऐड तो कर रहे हैं ना, और ऐड हम कर रहे हैं, वो भी हर बंदा अगर अपने 100 पॉइंट करता है और नया बंदा आएगा वो भी तो 100 करेगा, इससे मैक्सिमम नहीं कर पाएगा, और अपने 100 पॉइंट के लिए फिर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही कमीशन बनती है, कमीशन इतनी ज्यादा नहीं है ना। बिल्कुल भी नहीं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको हर रोज 3 नए लोगों से बात करनी है, तो उसका पहला सवाल जो उसका जवाब है वो ये कि हर बंदा जो 3 लोगों से आप बात कर रही हैं वो तमाम के तमाम आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, जो आपकी आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनते लेकिन एज ए यूजर काम कर रहे होते हैं या यूजर बन के काम कर रहे होते हैं। उन लोगों के साथ साथ नए यूजर्स को भी तो ढूंढना आपने। हम लोग कभी भी ये नहीं कहते आपने 100 पॉइंट्स इन्वेस्ट करने हैं या आपने अपने 100 पॉइंट्स खुद कराने हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि आपने 100 पॉइंट्स लोगों से कलेक्ट करने हैं, ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं, उनको कैटलॉग दिखानी है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, उनको बताना है कि किस किस किस्म की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। जो उसको पसंद करेगा वो मेंबर बन जाएगा, जो नहीं पसंद करेगा वो ऑर्डर देगा आपको। ठीक है सर, वो ठीक है, ये बात भी ठीक हो गई। अब हम मैनेजर लेवल पे आ जाते हैं या डायरेक्टर लेवल पे आ जाते हैं, तो उस लेवल पे भी ऐसा ही है कि आप नेक्स्ट मंथ जीरो पे आ जाते हैं। वहाँ पे तो ज्यादा पॉइंट्स करने पड़ते हैं जी, पॉइंट्स तो ज्यादा करने होंगे, लेकिन जब मंथ का एंड हो गया तो हम फिर जीरो पे आ गए जी, तो मतलब फिर कमीशन भी तो मिल रहा है ना आपको उस महीने का, जिस परसेंटेज पे आया उस पर कमीशन भी तो मिला आपको। यहाँ तो आप कमीशन ना लें तो आपकी परसेंटेज हम जारी रखते हैं। नहीं ठीक है, कमीशन भी लेना है, परसेंटेज भी लेनी है, क्योंकि हमने ओरिफ्लेम को अगर हर महीने करना, हर महीने करना पड़ेगा ना आपको, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ बिजनेस ना, ये एक दो दिन या एक महीने या दो महीने का तो काम नहीं है ना, इट्स अ बिजनेस एंड ऑनगोइंग बिजनेस, और ऑनगोइंग बिजनेस के अंदर आपको ये काम करना है। मतलब ब्रेक नहीं लगा सकते, आपके अल्फाज को अगर मैं सेकंड करूँ कि आप कह रही हैं ब्रेक नहीं लगा सकते तो यस, बट इट्स अ बिजनेस जिसमें हर महीने आपको काम करना है। सही है, मतलब ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है कि हम थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं जी अदीबा रानी जी, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अपने साथ तो वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में कोई कहता है कि नहीं हम नहीं कर सकते, कोई मतलब इस तरह के कोई भी। वजह ये है कि हम हर रोज 3 नए लोगों को जब इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो उन 3 लोगों में से कोई भी एक बंदा जब हमें कहता है कि जी मुझे ये इन्फॉर्मेशन दें तो हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना। हमने एक हफ्ते में तमाम लोगों को इन्वाइट करना है और किसी एक दिन सब लोगों को उस दिन इकट्ठा करके ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में या स्किन केयर के बारे में बताना है। अगर आप हर रोज हर बंदे को हर इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप तो थक जाएंगे इस तरह से। यस सर, ऐसा होता है तो आपको इसलिए तो आगे से मना भी कर देते हैं, इसलिए फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को भी कन्विंस करना। वन टू वन सेशन या वन टू वन मीटिंग्स बहुत कम होती हैं आपको अब ऑनलाइन, क्योंकि जब से ये डिजिटल का दौर आया है आपको मतलब एक लंबे अरसे तक लोगों को इनवाइट करते रहना है और एक हफ्ते में एक ऐसा दिन डिसाइड करना है जहां पे आप उनकी वो कंसर्न सुन सके और उनको बता सके, जैसे कि आज हम लोग सुन रहे हैं। जी सर, सर जैसे कि इतवार का दिन, संडे का दिन हो गया, उस दिन हम कभी एक वो आपकी अपनी मर्जी है जी, वो उस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस दिन लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। जी सर,
यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे साथ निदा सतार जी। निदा आपका सवाल है, रिक्वेस्ट किया मैंने, प्लीज अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने पूछना था यही कि अगर जैसे मैं विहाड़ी से हूँ और आप हैं सपोज फैसलाबाद से, और आप मुझे ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स आपने मुझसे बाय करनी है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रॉफिट भी मेरे पास आए और डायरेक्ट कंपनी से आपकी तरफ आएगा, तो मैं आपसे जैज कैश जो होगे अमाउंट वो जैज कैश करवा के और उनको कुरियर करवा सकती हूँ? ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने वो किस तरह से प्रोडक्ट उन तक पहुंचानी है। हमारी जिम्मेदारी तो वो एड्रेस की होगी ना जो आप हमें बताएंगे। सर मतलब कि अगर जैसे हम ओरिफ्लेम से ऑर्डर करते हैं कुरियर का और सीओडी का, मैं सीओडी का नहीं करती, मैं कुरियर का कर लेती हूँ, और उनसे तो पहले ही मेरे पास जैज कैश में अमाउंट आ जाएगी और मैं अपना प्रॉफिट रख लूंगी और उनका कुरियर हो जाएगा। मैडम मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आपको पहले हम ऑर्डर आपको पहुँचाएंगे, अगर वो ऑर्डर की इनवॉइस जो आपने किसी ऑनलाइन कस्टमर को भिजवाई है उसमें तो आप वाली इनवॉइस होगी, कस्टमर वाली इनवॉइस तो होगी नहीं। चलिए ठीक है, तो पहले आपको अपने पास मंगवाना पड़ेगा और फिर आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट है जी हमारे साथ शबाना जी, प्लीज आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए शबाना। जी शबाना आपका कोई सवाल है, मैंने रिक्वेस्ट की है, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नहीं वो मैं कहना यही चाह रही थी, वही जो सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी तो मेरा पहला वीक चल रहा है, तो इसमें यानी कि ये जो दिसंबर में दी एंड लग रही है ऑफर्स वगैरह, इनको हम डायरेक्टली मंगवाएंगे अपने पास? जी बिल्कुल अपने पास डायरेक्टली मंगवाएंगे। ओके, और वो जो प्रॉफिट वगैरह है वो मतलब आप जब अपने पास मंगवाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको लेस अमाउंट में मिलेंगे ना पैसे, प्रोडक्ट जिसको आपने बेचनी होगी फिर आप खुद उसको भिजवाएंगे यहाँ से। मेरा ये क्वेश्चन था, मैंने पूछना था, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, 1 वीक हुआ है, और ये क्वेश्चन पूछना था कि अगर अब हमें बोला था कि 10 BPs का हमने मस्ट ऑर्डर करना है, अभी ऑर्डर तो रिसीव हुए नहीं है, तो अगर हमें किसी ऑर्डर मिलता भी है उनके एड्रेस पे उसको सेंड करवाएं ओरिफ्लेम से, तो फिर उसमें भी जो हमारा 20% डिस्काउंट होता है या हमें कमीशन उसमें हमारी ऐड होगी क्या? नहीं जी। फिर क्या हम उसको पहले अपने पास मंगवाएंगे फिर आगे से उनको भेजेंगे? जी। ओके बस यही क्वेश्चन था। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। सादिया रिक्वेस्ट मैंने की है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सादिया। जजाकल्ला खैर सर, सच इन्फॉर्मेटिव मीटिंग इट वॉज, बट थोड़ा सा मैं बिजी थी जिसको ऐसे पूरे प्रॉपर अटेंड नहीं किया, आई वुड लाइक टू अटेंड इट अगेन। वन थिंग, सेकंड थिंग इज दिस सर कि जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है फेसबुक पेज पे, बिकॉज आई हैव बीन रनिंग इट फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, तो उसमें ना ओरिफ्लेम यूजर्स के नाम से मैंने नाम रखा हुआ है, ठीक है, और आफ्टर दैट इट वॉज अनाउंस्ड के ओरिफ्लेम का नाम यूज नहीं होना चाहिए। अब उसको चेंज करने के लिए मैंने क्या प्रोसीजर करना है? उसके लिए आपने एडिट की ऑप्शन में जाना है। असल में होता क्या है कि जब आप अपने पेज का नाम चेंज करने लगते हैं ना, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने अपने पेज का नाम रखा हुआ था वकास, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं वकास के नाम चेंज करने के लिए WAQAS की जगह WAKAS कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरे का पूरा नाम चेंज नहीं कर सकता। मतलब मैं ये कहूँ कि जी विकास एंटरप्रेन्योर, विकास ब्यूटी पर्सनल कोच या इस तरह की चीज में कर दूं तो वो नहीं हो सकता। मींस कि मैं इसको आप ब्यूटी यूजर्स या मतलब क्या आप इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, उसमें आप ओरिफ्लेम का वर्ड यूज किए बगैर उसको आप एडिट कर सकती हैं, एडिट कर सकती हैं, चेंज नहीं कर सकती। ये दिस इज मोर अप्रोप्रिएट कि मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, सॉरी। ठीक है,
सर उसके लिए प्रोसीजर में थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि उसके लिए उसके आप एडिट ऑप्शन। पेज में जाएंगे, एडिट ऑप्शन में जाके पेज नेम आएगा जहां पे, उसको आप एडिट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, वहां पे आपने एडिट करने की कोशिश करनी है। उसी वक्त चेंज नहीं होगा, फेसबुक आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि हम लोग इतने दिनों इतने टाइम बाद इसको अपडेट करेंगे, वो आप ओके करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो चेंज हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर आपको अपना पेज चेंज करना पड़ेगा। सही। और सर अगर ये ऑप्शन, मैं तो ऑब्वियस ही बात है ये सारा अच्छा खासा मैंने इसकी सर्चिंग की है, लेकिन एडिट पेज का मेरे पास ऑप्शन शो नहीं होता, मैं ये सेटिंग्स कह में रही हूँ। जाके आप चेंज करेंगी मैम? सही, ठीक है, मैं दोबारा करूंगी सर इसके अलावा और कोई। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है जी हमारे साथ रुखसाना अली जी। रुखसाना आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम, प्लीज बताइए। अच्छा मेरा सवाल ये है कि मैंने अपना पेज बनाया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है चेंजिंग लाइफ विद रुखसाना अली के नाम से। अच्छा जी, तो ये नाम सही है, मैं इस तरह का नाम रख? बिल्कुल रख सकते हैं जी, बिल्कुल ठीक है नाम। ठीक है, बस ये पूछना था जी। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे साथ Once again, Galaxy A30 मोबाइल, ना मोबाइल का जो मॉडल है वो है हमारे साथ, आई डोंट नो क्या नाम है इनका, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रिक्वेस्ट किया जी मैंने अनम्यूट करने की, प्लीज अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम आयशा शाहिद जी, प्लीज। और सबसे पहले तो सर आज की जी आज की ट्रेनिंग जो है वो सर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और साथ में सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने अभी जो है रिसेंटली एक पेज क्रिएट किया है गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल के नाम से। एक तो आप मुझे ये बताएं कि ये मतलब क्या ठीक है, जैसे अभी आपने बताया कि प्रोफेशनल पेज जो है हम लोगों ने क्रिएट करना है, ठीक है, उसका नेम भी जाहिर सी बात है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। जी जी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी दे रही हैं आप? मतलब अभी जो है सर मैंने इसमें जो है फर्स्ट पोस्ट जो मैंने की है ना वो तो सिर्फ मैंने जो है वो मतलब के ओरिफ्लेम के हवाले से की है ना, कि मतलब मेंबर्स बनाने के लिए मतलब ऑफर्स दिए हैं उसके अंदर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ना टाइम सेट कर लें और हम लोग इकट्ठे एक अलग मीटिंग कर लेते हैं ऑनलाइन ही, जिसमें मैं आपके पेज को देख के आपको मजीद इसमें गाइड कर सकता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट ईजी कि मैं जो चीज आपके लिए बताऊं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो और दूसरे के लिए वो बेनिफिशियल ना हो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि इसको मजीद हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं, तो वो वन टू वन मीटिंग में ही हम कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मैंने आपको बात बताई थी कि कोई भी पेज बनाने से पहले आपने उसका बिजनेस जो गोल है आपका वो आपने अचीव करना है। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आप पेज बना रहे हैं? सर मैंने जो है ना इसके अंदर जैसे भी आपने बात की है ना कि मतलब मिक्स आप जैसे चीजें जो है इसमें अपलोड करनी है ना, तो मैंने ये इसमें जो मेरे जहन में आइडिया है, मैंने आपको ये कहा था, जो मैं बता रहा था वो ये कि आपने 80-20 का रोल अपनाना है। यस यस सर, मैंने बिल्कुल इस चीज को जी जी नहीं सर, जो मेरे जहन में आइडिया ना वो मैंने ये सोचा था कि इसके अंदर जो है मैं ओरिफ्लेम के हवाले से और बाकी जो है जाहिर सी बात है जैसे आपने बात की कि अपने हवाले से मतलब मैं कैसे जो है वो इसमें सक्सेसफुल हो रही हूँ, ठीक है वो चीज तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो है मैं प्रोडक्ट्स को और साथ में मैं ये चाह रही थी कि जैसे जो लोग इसमें सक्सेसफुल हुए हैं तो उनका भी जो है मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना इसमें छोटी छोटी जैसे वीडियो क्लिप्स शेयर कर दूं। वो फिर डेफिनेटली हमें एक सिंपल अलग से मीटिंग करनी पड़ेगी, उस पर हम लोग को बात कर सकते हैं। अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स क्वाइट वेग काइंड ऑफ स्टेटमेंट होगी जो मैं अभी आपको दूंगा। मेरा ख्याल है कि हमें पर्सनली इसको देख के फिर वन टू वन मीटिंग करके इसको देखना पड़ेगा। तो आप अपनी अपलाइन से ऐसा सीनियर मैनेजर से आप डिस्कस कर लीजिएगा, एक टाइम आप ले लीजिएगा मुझसे, मेरी टीम मतलब मेरे साथ ही आप और आपके सीनियर मैनेजर मिलके फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा सर, नेक्स्ट मुझे आपसे ये पूछना था कि थोड़े दिन पहले जो है अभी YouTube पे जो है वो लाइव सेशन हुआ है ओरिफ्लेम का, जिसमें जो है वो क्विज सेशन हुआ था ना ओरिफ्लेम के हवाले से, तो ये जो है मतलब कि मैं उस वक्त नहीं अटेंड कर सकी, तो अभी जो है वो हम लोग उस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं जो लोग बाद में अगर उसको सिर्फ 24 आवर्स तक के लिए था, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी आमना अली हमारे साथ, रिक्वेस्ट किया, प्लीज आमना योर क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, प्लीज।
सर मुझे ना एक बात पूछनी थी, लेकिन पहले मैं इनका एक बताना चाहूंगी। सादिया नियाजी ने कुछ पूछा था कि फेसबुक पे नेम के एडिटिंग का, क्योंकि मैंने बहुत क्वारी उठाई है इसके लिए, तो इसलिए मैंने सोचा मैं गाइड कर दूं थोड़ा सा कि जो सेटिंग में जो एडिट का ऑप्शन है ना, वो हमारे पास पेज पे जो करते हैं हम एडिटिंग, वो उससे नहीं आता, यानी कि ऐप से नहीं आता, हम गूगल ब्राउजर से जाके वहां से हमें एडिट का ऑप्शन आ रहा होता है। क्योंकि मैं बहुत परेशानी हुई उस चीज के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ये बताऊं। तो नाम जो एडिटिंग करने कह रही है ना ये, तो ये वहां से जाके हो जाएगा, ब्राउजर पे आएगा, लेकिन ऐप पे ये ऑप्शन नहीं आता। जी मैंने ब्राउजर का ही बताया था जी, कि एप्लीकेशन पे ये ऑप्शन नहीं आती, ब्राउजर पे आती। जी 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 जी। अच्छा सेकंड मुझे आपसे ये बात पूछनी थी कि बूस्टिंग मैंने की फर्स्ट टाइम, मैंने इससे पहले कभी बूस्टिंग नहीं की, मैंने अभी रिसेंटली पिछले महीने मैंने बूस्टिंग की थी। और बूस्टिंग मेरे साथ ये हुआ, मैंने जब अपना कार्ड ऐड किया और फिर सारे मैंने 4 दिन की बूस्टिंग स्टार्ट की थी, 4 दिन कंप्लीट हो गए, लेकिन 4 दिन के बाद मेरे पैसे वहां से डिडक्ट नहीं हुए मेरे डेबिट कार्ड से। तो क्या ऐसा कुछ होता है, क्योंकि लेकिन वो डेबिट हो गए बाद में, यानी कि तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद, क्योंकि मैंने उसमें अमाउंट छोड़ दी थी कि क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम बूस्टिंग की थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी बूस्टिंग में कोई मसला हुआ था या ऐसा ही होता है, फर्स्ट टाइम मैंने नहीं, ऐसा नहीं होता जी, वो उसी वक्त कटते हैं, कटने के बाद आपको एड्स की जो ऑप्शन है ना वो उसके बाद मिलती है। लेकिन माइट भी कोई इशू आया हो, मैं उस पर कोई इस तरह का कॉमेंट कर नहीं सकता कि ऐसा ही होता है, ऐसा होता नहीं है बाय द वे। अच्छा, क्योंकि मैंने सारे मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, तो सबने ये कहा कि नहीं हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन मेरे नहीं हुए। तो मैंने खैर अमाउंट छोड़ दी थी कि कभी भी हो जाएंगे, क्योंकि सारे वो फिर उसमें कोई वरना ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम भी जब कभी बूस्ट करेंगी तो आपकी हिस्ट्री अच्छी होगी, वो इसलिए आपको ज्यादा जल्दी अप्रूव भी कर देंगे आपकी पोस्ट को। ओके ओके, थैंक यू सो मच। यानी कि मेरी सेटिंग सही होगी फिर, क्योंकि मैं ज़ारा की मीटिंग हुई थी, उनमें उसमें उन्होंने गाइड किया था, तो हमने उसी तरीके से पूरा वो सब किया था। लेकिन जी जी उसी तरह से करना है जी आपने। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इरज है जी हमारे साथ, इरज वहीद जी, आपको रिक्वेस्ट की है अनम्यूट करने की, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, प्लीज बताइए आपका सवाल। मैं बहुत से लोगों को हम लोग प्रोडक्ट्स का बताते हैं तो वो परचेज करने में कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन जब हम उनको डिलीवरी चार्जेस का बताते हैं तो पीछे हट जाते हैं कि ये बहुत ज्यादा है ये वो, तो इसके लिए हम उनको कैसे कन्विंस करेंगे? मैडम डिलीवरी चार्जेस तो फ्री नहीं हो सकती ना, वो तो आपको चार्ज करनी पड़ेंगे, या तो हम प्राइस के अंदर उनको मेंशन करें जी कि डिलीवरी चार्जेस अलग होंगे। सारी इन्फॉर्मेशन बताने से पहले आप उनको बता दें कि जी डिलीवरी चार्जेस अलग होंगे, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन बतानी ना पड़े। आप सर वो बात तो ठीक है आपकी भी, लेकिन की कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए सॉरी आवाज ठीक नहीं आ रही थी आपकी, क्या कहा? जैसे 400 की कोई प्रोडक्ट वो बाय करते हैं तो उसके लिए उनको 237 पे करना पड़ता है। 199 जी सर, 1000 की 199 रुपीस है जी, 7500 रुपीस आपको चार्ज हो रहे हैं कि आपने 2500 से कम की शॉपिंग की है। कस्टमर को 2500 से कोई कंसर्न नहीं होता। सॉरी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा वो डिस्टॉर्शन आ रही है बहुत ज्यादा। सर मुझे भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आप अगर हैंड फ्री यूज कर रही हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए उतार दें। अब आई जी बताइए सर, डिलीवरी चार्जेस का ही बता दें आप जी। डिलीवरी चार्जेस लेकिन जो 75 आपको चार्ज होते हैं वो आपको चार्ज होते हैं, वो कस्टमर का मसला नहीं है। शॉपिंग आप 2500 से कम की कर रही हैं, कस्टमर को तो एक प्रोडक्ट अगर चाहिए तो वो कस्टमर को चाहिए ना। सॉरी जी आवाज बहुत डिस्टॉर्टेड थी, मैं ठीक समझ नहीं पा रहा था और मजीद वेट नहीं कर सकते थे हम। इमरान है जी हमारे साथ, आपको रिक्वेस्ट कीजिए जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी इमरान आपको रिक्वेस्ट की है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, एक्सेप्ट कीजिए और अनम्यूट कीजिए। नहीं है जी, चलो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अरवा है जी हमारे साथ, रिक्वेस्ट मैंने की है जी अनम्यूट करने की, अनम्यूट हो जाइए जी।
जी अरवा, रिक्वेस्ट की है वंस अगेन। नहीं है जी, चलो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तथीर बतूल हैं जी हमारे साथ। जी तथीर, आपको रिक्वेस्ट किया मैंने, जी अनम्यूट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि किस परसेंटेज लेवल पे आके कमीशन स्टार्ट होता है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। 3% पे आके कमीशन स्टार्ट हो जाता है जी आपका। अच्छा, कितना जो है वो कमीशन होता है 3% पे? 3500 रुपए की इनकम होती है आपकी 3% पे। अच्छा, तो वो मंथली आती है हर मंथ? अगर आप हर महीने अचीव कर रही है 3% और आपने 20% खुद रखा हुआ अपने पास, तो आपको हर महीने मिलेगा। सही। अच्छा, ये जो पेजेस की बात कर रहे हैं कि फेसबुक के ऊपर पेजेस जो हैं वो ओरिफ्लेम के नाम से नहीं बनाने, तो ये मैंने मेरा इंस्टाग्राम पे जो है वो मैंने पेज बनाया है वो ओरिफ्लेम मेंबरशिप के नाम से, तो क्या ये नाम सही नहीं है? नहीं होना चाहिए? नहीं जी, मतलब चेंज कर दूं इस चीज को? वजह नहीं, ओरिफ्लेम का नाम यूज नहीं करना, कंसल्टेंट्स आर नॉट अलाउड टू यूज ओरिफ्लेम नेम। ओके, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। हिना सर्वर हैं जी हमारे साथ, रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी हिना। सर मैंने ये पूछना था, जैसे मैंने अपने न्यू मेंबर अपने कंसल्टेंट बनाए हैं तो उनका कल 100 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं, उन्होंने कल ही वो मेंबरशिप ली है और अपने पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, क्या वो अब नेक्स्ट 1st January जब स्टार्ट होगा उसका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा कि वो 30 डेज कंप्लीट करेंगे? जनवरी से फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड मंथ स्टार्ट हो जाएगा उनका, सेकंड मंथ स्टार्ट हो जाएगा उनका। ठीक है, वो यही पूछ रही थी कि क्या मैं वो 2000 जो हमें वो मिलता है कैटलॉग, वो जो से शॉपिंग का जो हमें मिलते हैं, वो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा? हो जाएगा ना उनका, यानी कि 1st December में उनका 1 month कंप्लीट हो गया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। रिक्वेस्ट और फिर क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अच्छा चलें, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अमतुल शफी है जी हमारे साथ, आपका कोई सवाल, रिक्वेस्ट किए जी मैंने, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और आपका अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछा था कि हम अगर TCS बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बिजनेस शो करना होता है, तो अगर हम ओरिजिनल बिजनेस शो करें तो एक्सेप्ट हो जाएगा? नहीं जी, ये तो वो लोग ही बता सकते हैं आपको कि एक्सेप्ट होगा या नहीं, क्योंकि TCS की तो डिटेल्स मेरे पास नहीं है। आप ओरिफ्लेम का बिजनेस शो नहीं कर सकते हैं, आप अपना NTN नंबर, जो मुझे पता है आपने अपना NTN नंबर उनको देना होता है, वो NTN की बेस पे उस पे आपका अकाउंट खोलते हैं। NTN नंबर क्या होता है ये जी, आप TCS से पूछ लीजिए। NTN नंबर होता है आपका नेशनल टैक्स नंबर, जिसके जरिए आपका जो इनकम टैक्स है वो डिडक्ट होता है। ओके, ठीक है, जाकला। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। आमना स्नोबर है जी हमारे साथ, जी रिक्वेस्ट किया मैंने, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है, क्या हर ब्रांड बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है, क्या हर ब्रांड पार्टनर का उसकी टोटल सेल के हिसाब से बिजनेस वॉल्यूम बनता है जिस पर उसको कमीशन मिलता है, या ये एक स्पेसिफिक कंपनी का फिक्स तय किया हुआ है कि इस पर ही कमीशन मिलेगा? जो ₹58 का एक बीवी है, ₹58 का एक बीवी है। हाँ, तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं था कि बिजनेस वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये कैसे होता है? आपने कितना बिजनेस किया? बिजनेस वॉल्यूम को मैं सादा अल्फाज में ये बता सकता हूँ कि आपने कितना बिजनेस किया, तो जितने बीवीज होंगे उतना बिजनेस किया आपने। अगर आप उस कैटेगरी के मुताबिक होंगे कि आपको कमीशन मिलना है तो हम 58 से मल्टीप्लाई करके उसकी परसेंटेज आपको दे देंगे। तो ये 58 ही मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या है, वो उसको आप छोड़ दें, इट्स अ वेरी 58 क्या है, कैसे आएगा, वो आप छोड़ दें, हम आपको ₹58 का एक बीवी देंगे, ये आपको याद होना चाहिए।
मतलब 58 रुपए का एक जो हमारी बिजनेस पॉइंट एक होती है वो 58 के बराबर होती है ऐसे, जब कमीशन हम देंगे तब। जी जी मुझे मिल चुका है 3% हूँ मैं उस हिसाब से पूछ रही थी। जी जी चलो जी ठीक है सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट जी हमारे पास हमारे साथ हैं जी डॉल, आई एम सॉरी बट आपने नाम ही लिखा हुआ है, प्लीज आपको रिक्वेस्ट किया अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी कोई सवाल है आपका? नहीं है जी, चलें थैंक यू सो मच। इरफाना है, इमराना है जी दोबारा हमारे साथ। जी इमराना आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट की है मैंने, प्लीज अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, प्लीज। जी सर ये मैं यही बताना चाह रही थी, जो लोग पूछ रहे थे कि अगर हम अपने पास ऑर्डर मंगवाएं बाद में उनको कैसे भिजवाएं फेसबुक पे, या हमें ऑर्डर मिलते हैं या वैसे भी मिलते हैं, तो मैं पहले अपने पास ऑर्डर मंगवा लेती हूँ, फिर TCS पे मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाया। ठीक है जी। तो उनका वो आता है बच्चा जो है, फिर वो यहाँ से मेरे पास ऑर्डर कलेक्ट करके ले जाते हैं, फिर वो ऑर्डर आगे भेज देते हैं। इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, और इसमें जो है इसमें भी हमें प्रॉफिट मिलता है। अगर हम पंजाब से पंजाब में कर रहे होंगे तो 120 रुपीज का हमारा ऑर्डर जाएगा, 80 रुपीज हमें मिलेंगे जी, और पंजाब से दूसरे सिटीज का फिर अलग अलग है उनके। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का आज के इस टॉपिक को अटेंड करने के लिए और जानने के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आपने सीखा, जो समझा, जो जाना, उसको आप इम्प्लीमेंट करें, अपनी टीम के अंदर एग्जीक्यूट करें। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। अपना और अपने गिर्दोनवा लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।